आज किस वीडियो में हम ड्रीम इलेवन और एमपीएल इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सा ऐप को मतलब किस प्लेटफॉर्म पे हमें खेलना ज्यादा मतलब सेफ रहेगा, और मतलब ऐसा तो नहीं हम किसी पे 1,00,000 रुपए जीत गए और कल को आके हमें पुलिस डंडे मारने लगे कि तुम गैम्बलिंग करके या इलीगल तरीके से 1,00,000 रुपए या 1,00,00,000 रुपए जीते हो, तो मतलब कौन सेफ है कौन लीगल है कि नहीं, और मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रीम इलेवन या एमपीएल में कोई हैक वैक करके खेलता होगा, क्योंकि हम आईडी सुनते रहते हैं कि इस ऐप को हैक कर लिया इसको हैक कर लिया, तो भाई एमपीएल और ड्रीम इलेवन किस खेत की मूल है, इसको भी कोई हैक कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं ताकि हम अपना यहाँ ज्यादा पैसे न लगाएं, क्योंकि भाई कोई हैक करके खेला तो हमें अपना पैसा लगाने की क्या जरूरत है, तो भाई इसके बारे में बात करने वाले। और हम बात करेंगे लास्ट में कि भाई इन दोनों में से किस प्लेटफॉर्म पे अगर हम खेलें तो हमें मतलब ज्यादा पैसे जीत सकते हैं, मतलब किस प्लेटफॉर्म पे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे जीत सकते हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हो सके तो भाई इसको एक लाइक जरूर कर देना। तो भाई हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा ऐप यहाँ पे सेफ है खेलना, ड्रीम इलेवन या एमपीएल। तो भाई हम सबसे पहले मैं बता दूं, भाई देखो आज के टाइम में एमपीएल और ड्रीम इलेवन दोनों एक ब्रांड ऐप है, ऐसे कोई छोटे मोटे ऐप नहीं है। इसको बहुत बड़े बड़े हमारे जो क्रिकेटर है विराट कोहली एमएस धोनी इसको प्रमोट करते हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये लोग ऐसे ही नहीं प्रमोट करते भाई, ये लोगों के पास एक लीगल टीम होती है, वो पहले जांच करती है कि ये सही काम करता है कि नहीं, जेन्युइन चीज है कि नहीं, तभी ये लोग उसको प्रमोट करते हैं, समझ रहे हो ना। ऐसे नहीं इतने बड़े बड़े लोग इसको प्रमोट करते हैं, उसके बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से भाई एमपीएल और ड्रीम इलेवन दोनों लीगली रजिस्टर हैं, ये इंडिया में खेलना लीगल है, आप खेल सकते हो। हाँ, ड्रीम इलेवन इंडिया के कुछ 4-5 ऐसे स्टेट हैं, उन्होंने अपने प्राइवेटली मना करके रखा, नहीं भाई तुम ड्रीम इलेवन हमारे स्टेट में नहीं खेल सकते हो, ऐसे तेलंगाना उड़ीसा ऐसे करके कुछ स्टेट हैं जहाँ पे आप ड्रीम इलेवन नहीं खेल सकते हो, बाकी सारे स्टेट में आप ड्रीम इलेवन और एमपीएल को आसानी से खेल सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग साथ गैम्बलिंग में मानते हैं कि ये गलत है, ठीक है। और हम बात करते हैं हैकिंग के बारे में, तो देखो भाई जो एमपीएल पे एमपीएल प्रो ऐप में जो गेम्स होते हैं जैसे फ्रूट कटर रनर, इसमें बहुत सारे गेम्स हैं एमपीएल में, वो मुझे उतना सिक्योर नहीं लगता है, उसमें हैकिंग पॉसिबल है, लेकिन उसमें जो क्रिकेट फैंटेस्टिक क्रिकेट रहता है जैसे ड्रीम इलेवन में टीम वीम बनाना, वो मुझे वो सेफ लगता है, लेकिन उसमें जो गेम्स होते हैं वो मुझे उतना सेफ नहीं लगते हैं। अब क्यों कि भाई इन दोनों के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है कि ड्रीम इलेवन हैक हो सकता है कि नहीं और एमपीएल हैक हो सकता है कि नहीं, तो भाई आई मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाई आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखें, मैं आई बटन में उसका भी लिंक दे दूंगा। तो मैंने उसमें डिटेल में और एक वैलिड रीजन दिया है कि क्यों ड्रीम इलेवन हैक नहीं हो सकता और क्यों एमपीएल हैक नहीं हो सकता, और एमपीएल में जो गेम्स हैक हो सकते हैं वो क्यों हैक हो सकते हैं, और जो फैंटेस्टिक क्रिकेट विकेट है वो नहीं हैक हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता, तो आप जरूर जाके देख लेना। और भाई हम इसमें अब लास्ट बात करते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे हम खेलें, ड्रीम इलेवन या एमपीएल, तो जिस किस पे हम ज्यादा पैसे जीत सकते हैं। तो भाई देखो जीतने को तो आप दोनों पे ज़्यादा पैसे जीत सकते हो, आपके लक के ऊपर है, लेकिन अगर यहाँ पे आप ड्रीम इलेवन में पैसे लगाते हो और खेलते हो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे जीतने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर मान लो सपोज करो अगर 50 रुपये एमपीएल में लगा के खेल रहे हो फैंटेसी क्रिकेट में, तो जितना पैसा आप अगर फर्स्ट आके भी पा सकते हो ना, उसका अगर उतना ही पैसा अगर ड्रीम इलेवन में लगा के खेलोगे तो उसका 10 गुने ज़्यादा आप पैसे यहाँ पे पा सकते हो, यहाँ पे प्राइस पूल जो है बहुत ज़्यादा रहता है, तो मतलब ड्रीम इलेवन यहाँ पे ज्यादा पॉपुलर है, यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा पैसे जीत सकते हो। तो भाई आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इसके बाद में अगर आप लोग कुछ पूछना है तो भाई कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछ सकते हो। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो भाई इसको एक लाइक, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता हूँ तो हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।